तो आपको पता ही है कि हमारी जो पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा उसमें पता है कि हालात कैसे ख़राब थे। उसमें स्नो की वजह से फर्स्ट टाइम ऐसे बुरे हालात में मैंने सफ़र किया, क्योंकि स्नो इतनी ज़्यादा जमी हुई थी तो उसमें चल पाना जो काफ़ी मुश्किल भरा था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी रोड जो है बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे तो दूर दूर तक स्नो दिखाई नहीं दे रही है। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं शिमला से, तो यहाँ पे ये रोड है वो प्रॉपर क्लियर देखने को मिलेगा। फ़िलहाल ये नीचे एम्स हॉस्पिटल बना हुआ है, ये काफ़ी जंगली एरिया था, मतलब यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा था। जब से एम्स बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे घर वगैरह, टूरिस्ट वगैरह और दुकानें वगैरह, काफ़ी सारा अब एरिया खुला खुला देखने को मिलता है, नहीं तो यहाँ पे निकलना काफ़ी थोड़ा अजीब सा लगता था, जंगल टाइप। तो अभी काफ़ी बढ़िया है। ये है नेशनल हाईवे जो पंजाब से होते हुए हिमाचल को क्रॉस करता है, हिमाचल तक आता है। तो ये नेशनल हाईवे सबसे बेस्ट है, बढ़िया है। जब से ये नेशनल हाईवे बना है तो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो चुकी है। और ये नदी है इस साइड में, मुझे इसका नाम तो फ़िलहाल अभी याद नहीं है। तो हमें यहाँ से टर्न करना है लेफ़्ट, ये दोनों रास्ते घर के लिए जाते हैं, लेकिन लेफ़्ट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये है नेशनल हाईवे, दूसरा भी नेशनल हाईवे है लेकिन ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से हमें सीधा रोड ज़्यादातर देखने को मिलेगा और बहुत दूसरा काफ़ी टर्न है। तो हमारी फर्स्ट टनल जो है वो आ चुकी है महादेव जी की मूर्त के साथ। अभी हमें और सारी टनल जो क्रॉस करनी है, लगभग 3-4 टनल आती हैं इस रोड पे। ये टनल की वजह से काफ़ी छोटा सफ़र हो चुका है, नहीं तो काफ़ी लंबा घूम के था। तो दूसरी टनल यहाँ पे भी आ चुकी है, तो हमने ये भी टनल क्रॉस करनी है। तो अंदर काफ़ी धूल वगैरह दिख रही है, अंदर के हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हैं। तो फिलहाल हमें आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ी को किस तरीके से काट के रोड बनाया हुआ, और ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी, इसको रोड को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा हुआ है, काफ़ी टाइम लगा था। तो आगे फ़िलहाल हम एक और टनल क्रॉस कर रहे हैं, फ़िलहाल सिंगल टनल चल रही है और दूसरी बन रही है साथ में, लेकिन यहाँ पे काम चलने की वजह से आप देख सकते हैं हालात क्या है। फ़िलहाल कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, लाइट जगाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर, इतनी ज़्यादा धूल और आवाज़ है, बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। तो अगर लाइट वगैरह नहीं होती तो यहाँ पे निकलना काफ़ी मुश्किल रहता भाई, यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बाहर निकल चुके हैं, तो अंदर जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे भाई, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पे, तो हमें तो फ़िलहाल रुकने की ज़रूरत है नहीं है, बाइक पे तो कोई टोल का सिस्टम है नहीं है। अभी हम निकल रहे हैं फ्री होके, शाही आदमी हैं भाई। तो आगे हम सफ़र करेंगे, फ़िलहाल टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, तो देख सकते हैं 5 बज चुके हैं। तो हमें यहाँ पे 5 बज चुके हैं, तो अभी हमें आगे कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते, घर पहुंचते अंधेरा हमें हो जाएगा। अभी हम आनंदपुर साहिब में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है आपको देखने के लिए, आपको पता ही है अगर आप यहाँ पे कभी आए हों तो, ये काफ़ी पॉपुलर एरिया है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है और यहीं से माता नैना देवी के लिए भी रास्ता जाता है एक, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह रहता है। तो अभी हम आ चुके हैं नंगल, तो यहाँ पे हम आपको आगे नंगल का जो डैम है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी अक्सर काफ़ी ज़्यादा रश रहता था, जब से फ्लाईओवर बना है तब से इतना ज़्यादा आसान हो गया सफ़र करना, नहीं तो इतना जाम वगैरह रहता था नीचे। तो फ़िलहाल ये है फ्लाईओवर और हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो नंगल डैम है इस साइड में, आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड में आपको दिखाई देगा, मैं दिखा देता हूँ, यह है नंगल डैम और काफ़ी बड़ा डैम है। बाखड़ा डैम का पानी ऊपर रुका हुआ है, उसके बाद जो निकलता है वो यहीं पे रुकता है आके। तो ये रहा हमारा नंगल डैम जो पंजाब में है। फ़िलहाल HRTC की बस जा रही है फ्लाईओवर से, ये फ्लाईओवर डबल करके बना हुआ है, तभी जाके काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है रोड पे।
अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हिमाचल बॉर्डर। तो ये हिमाचल का एरिया शुरू हो चुका है। अभी हम यहाँ पे पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल हमारा काफ़ी ख़त्म हो चुका है। अभी हम पेट्रोल यहीं से डलवा देंगे। ये काफ़ी सही प्लेस है। फ़िलहाल कुछ ऐसे पंप है जहाँ से मैं तेल वगैरह डलवाता हूँ, तो यहाँ से तेल डलवा के फिर निकलते हैं आगे। तो हमने तेल जो है वो फिल करवा लिया है, अभी निकलते हैं हम आगे की तरफ। ये है सिनेमा हॉल और हम आगे चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं मौसम जो है वो अंधेरा बिल्कुल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो चुका है, काफ़ी अंधेरा हो रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऊना में। तो यहाँ पे सिग्नल फ्री है, तो हम निकलते हैं आगे। ये है ऊना का जो बत्ती चौक। तो इससे आगे अभी हमें कितना टाइम लगेगा, लगभग आधे से पौना घंटा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमें कितना अंधेरा हो चुका है। तो ऊना से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना अंधेरा हो चुका है हमें, भाई काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बुड़ूही अपने एरिए में। अभी यहाँ से थोड़ी दूर है, तो थोड़ा सा कुछ खाने के लिए हम सामान वगैरह भी ले लेते हैं, क्योंकि घर में जाते समय कुछ ज़्यादा तो है नहीं। फिलहाल देखते हैं, चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं खाने के लिए, तो ये बेस्ट रहेगा। बाकी और तो ऐसा कोई लेने के लिए चीज़ है नहीं है, क्या लेके जाएंगे। तो सामान लेके हम निकलते हैं घर। सामान हमने ले लिया है और बाइक हमारी ये खड़ी है। अभी हम चलेंगे घर और फिर देखते हैं आगे का प्लान। बाकी हम बात करते हैं आपसे घर में जाकर। तो यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी टाइम जो है वो 8 बज चुके हैं, 8:30 का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड अभी घर पहुँच चुका हूँ। काफ़ी अंधेरा हो गया था घर आते आते। फिलहाल अभी रेस्ट वगैरह कर रहा था, खाना खुना खाया, क्योंकि सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिलहाल शिमला पीछे शिलारू से लेकर शिमला तक जो सफ़र था वो काफ़ी मुश्किल भरा, क्योंकि बर्फ़ आपने देखा कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी रोड पे। मशीन वगैरह से साफ कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी। तो फिलहाल काफ़ी सफ़र करने के बाद थकान भी काफ़ी हो रही थी, तो अभी घर पहुँच गया हूँ। फिलहाल सफ़र ठीक ठाक रहा, जैसे भी रहा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।